और बचपन में मैं ऐसे ही चोटियाँ डालती थी। कभी मम्मी ऐसे ये चोटी ना सॉरी ये पोनी है ना, तो इसको ऐसे कुछ करके और ये ऐसे डालती थी ऐसे, तो बहुत क्यूट लगता था मुझे। मैं बहुत छोटी 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 ऐसी क्यूटी क्यूटी लगती थी और गोलू मोलू लगती थी। बाहर बारिश हो रही है, छमाछम बारिश हो रही है, छमाछम दिखाती हूँ मैं। अरे भाई खुल जा, खुल गया खुल गया, डैंग चा डैंग, थोड़ी ही खुलती हूँ नहीं तो पता चला चिपकली आ जाएगी। शहंशाह बारिश पधार रही है, शहंशाह बारिश पधार रही है। अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे बोलना बारिश आ रही है ना, कैसे लगती है आपको बारिश? ये लड़की नहीं है, बारिश है, बारिश, बारिश का पानी, ठंडा ठंडा पानी, मस्त है ना? तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि किसको बारिश अच्छी लगती है। वो लड़की नहीं है, ध्यान में रखना। बारिश यानी ऊपर आसमान से पानी आ रहा है, उसको बोलते हैं बारिश। ये आप सभी को पता होगा। कभी कभी क्या हो जाता है ना, कन्फ्यूजन होता है। मैं पूछ रही हूँ कि आपको बारिश कैसे लगती है, तो कैसे लगती है, तो कोई कोई सोचता है बारिश नाम भी हो सकता है लड़की का, राइट? चैतन्य लाइटिंग्स ज्वाइन कर रहे हैं, यानी पुरानी लाइट है तो उसको ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगानी है मेरे किचन में लाइट्स, इसलिए वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलो मैं चैतन्य के पास लेके चलती हूँ, आपको और दिखाती हूँ। पहले इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो चिपकली माता आ जाएगी। डेंट 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 डेंट, हो गए ना, हो गए ना? आवाज तो नहीं आई लगे हुए की, बट आओ लगी मुझे, देखिए। ठीक है एनीवेज, चलो मैं चैतन्य के पास लेके चलती हूँ आपको। ये हो गया। हाँ किसका? ये चालू कर दिया। हाँ बटन भी चालू हो गया। कहाँ है दिखाओ, क्या क्या करके रखा? ये देखिए जुगाड़ू जुगाड़ू हो गया। दिखाओ। डैंग 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 डैंग, मेरी लाइट शुरू हो गई। झुक 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 झुक। बस 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 हो गया, ये बंद कर दो। लाइट चालू हो गई मेरी, डिंग 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 डिंग। और ये है सारा जुगाड़, लाइट चालू करने का जुगाड़। तो हम घर पे ही लाइट शुरू कर रहे हैं। कुछ कुछ लाइट्स जो है, ये जैसे रहती है, ये लाइट्स है ना, क्या बोलते हैं इसको, कौन सी लाइट बोलते हैं? स्ट्रिंग लाइट, स्ट्रिप लाइट, नाम है उसको, मिर्ची लाइट बोलते हैं, स्ट्रिंग लाइट्स बोलते हैं, मिर्ची लाइट है ना। तो ये लाइट्स जो है अभी चैतन्य कर रहे हैं शुरू। ये देखिए ये कौन सी वाली है, दिखाओ, ये स्ट्रिप वाली है ना, ये एलईडी स्ट्रिप है, ये एलईडी स्ट्रिप है। तो चैतन्य उसको शुरू कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, ये देखिए वाला कलर है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, पार्ट्स लगा है। ए धीरे, ये स्नोई हमारा चीख रहा है बीच बीच में, ये देखो उसको भी लाइट्स लगानी है। दिया जला। तो ये लाइट्स लगा देंगे और फिर ये चालू हो जाएगा, है ना?
ऐसे जुगाड़ू काम, छोटे छोटे काम रहते हैं जैसे लाइट्स वगैरह ये करना, तो हम घर पे ही करते हैं मोस्टली। चैतन्य घर पे करते हैं, मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकती हूँ, ज़्यादा तो नहीं मुझे इतना आता लाइट्स का, बट हाँ जितना आता है उतना तो घर पे ही करते हैं हम जनरली, क्योंकि छोटे छोटे लाइट्स रहते हैं ना। तो ये देखिए लाइट बाबा को शुरू करना है, इसीलिए फिक्सिंग चल रही है। फिक्सिंग एक बार हो जाएगी तो लाइट बाबा शुरू हो जाएंगे और अपने दर्शन देंगे। है ना, ये लाइट बाबा अभी पता नहीं है ना कौन से कलर के। हाँ वो भी पता नहीं कि लाइट बाबा याद नहीं आ रहा है कौन सा दर्शन देंगे। व्हाइट वाला है, येलो वाला। क्योंकि दो लाए थे उसमें से ये कौन सा है, एक व्हाइट निकली और एक ये है कि है, अभी ये तो पता नहीं कि ये कौन सी वाली है, बट अभी जब ये चालू होंगे तभी अपने दर्शन दे पाएंगे। हाँ। है ना, दिस विल नॉट गिव एनी दिस थिंग गुड, ये वाला अच्छा दिख रहा है ना। या नहीं, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल। ट्रायल चल रहा है, ट्रायल। ये ऐसे वाला ठीक नहीं दिख रहा। कैसे ऐसे? नहीं ना, नहीं ये भी अच्छा दिख रहा है। एक मिनट। हाँ नमस्ते, नमस्कार, केम छो, कैसे आ, सत श्री अकाल, और कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, मेरे चैनल का नाम है पूजाज लाइफ डायरी। और अभी चैतन्य जो है वो कर रहे हैं लाइटिंग का काम अंदर, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि चैतन्य क्या लाइटिंग का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? चैतन्य इधर लाइटिंग लगा रहे हैं, हुआ नहीं अभी तक, मैं बाद में। पेचीदा काम है ना। अच्छा कोने में है ना पूरा वो ना। कैसे लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना अच्छी? थोड़ा सा पंखा चालू है ऊपर, तो थोड़ा आवाज जो है वो थोड़ा झेल लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। क्योंकि क्या है ना, पंखा चालू है, अगर बंद कर दूंगी तो पसीना ही पसीना आ जाएगा। और आज मैंने ऐसे दो चोटी बना ली है तो मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, और बचपन में मैं ऐसे ही चोटियाँ डालती थी। कभी मम्मी ऐसे ये चोटी ना, सॉरी ये पोनी है ना, तो इसको ऐसे कुछ करके और ये ऐसे डालती थी ऐसे, तो बहुत क्यूट लगता था मुझे, बहुत चची छी छी छती ऐसी क्यूटी क्यूटी लगती थी और गोलू मोलू लगती थी। तो मैं सोच रही थी कि बचपन में इतना परेशान करती थी मैं बाप रे मम्मी को कि ये जो है पोनी ऐसी, तो मम्मी ऐसी चोटियां डालती थी और जब यहाँ से बाल निकलते थे तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी अगर यहाँ से बाल वापस निकले तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो मेरी मम्मी लिटरली 10 बार 20 बार डालती थी तभी मैं स्कूल में जाती थी। जैसे लॉकडाउन हुआ, फिर इधर से इधर ट्रांसफर हो गए, तो काफी सारी चीजें हो गई और 2.5 साल हो गए मुझे घर पे जाने के लिए। और होता है सबके मिस इमोशंस, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, वो याद आती है मुझे मम्मी पापा की मेरे, और आप इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाते, नहीं सच में नहीं कर पाते हो, ऐसे पसीना भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है। तो मैं ये बोल रही थी कि ऐसी कुछ चीजें होती है कि जिस वो चीजें करने के बाद मम्मी पापा की याद आ जाती है, या आप जब बचपन में कोई ऐसी चीजें करते हो तो वो आपको जब अभी याद आते हैं, स्पेशली मीन्स
बहुत सारी लड़कियों के साथ में, जितनी भी लड़कियां हैं सब अपने ससुराल जाती है, तो सारी जो यादें हैं वो लेके जाती है, पूरे जितना भी आप 25 साल 30 साल आपके माँ बाप के घर रहते हो, तो वो पूरी जितनी भी यादें हैं आप सारी यादें समेट के आपके साथ लेके आते हो और वो यादों के सहारे आप जीते हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए, इतनी बड़ी बात होती है वो कि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि लड़की को इस लड़के के घर में क्यों जाना पड़ता है, ये तो कंसेप्ट आज तक मुझे नहीं समझ आया। बट हाँ, जो जितनी भी याद है वो लड़की लेके आएगी साथ में, वो याद के साथ सहे वो जीती है अपने ससुराल में, और मैं हैट्स ऑफ करती हूँ लड़कियों को, या मीन्स मेरा मैं ये सोचने के मेरे ये है, मैं कभी सोच नहीं पाई कि सच में लड़कियों को छोड़ के ही क्यों आना पड़ता है और वो यादों के सहारे जीना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी मम्मी पापा अपने को 25-30 साल अपने पास रखते हैं और फिर हमें जाना पड़ता है, तो हैट्स ऑफ सभी लड़कियों को, और उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और दिल से भी ज़्यादा बहुत स्ट्रांग होती है, मिस अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं लड़कियाँ की इतनी सारी यादों के सहारे वो जीती है और अपने मम्मी पापा को छोड़ के वो दूसरों के घर जाती है जिनको हम जानते भी नहीं है, या कुछ पल मिले हैं या कुछ पल से ही जानते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, यानी सालों का रिश्ता पल भर में डिफिकल्ट ना, बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, मैं क्या बता रही थी कि ऐसे पोनी डाल देती थी मेरी मम्मी, और फिर मम्मी 10 बार डालेगी 15 बार डालेगी, उसके बाद मम्मी ऐसे धुबक 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 करके मेरे पीठ पे मारती थी, और फिर मुझे लग जाती थी मैं रो देती थी क्योंकि कितनी बार डालेगी ना, और मेरी मम्मी बोलती थी कितनी बार डालू ऐसे करती थी, और फिर ऐसे कर करके फिर ऐसे मारती थी, और फिर बाद में मैं रोती थी, तो फिर मम्मी मुझे ये करती थी कि ठीक है चल चल, तो फिर मम्मी मनाने आ जाती थी, और आज भी मेरी मम्मी ही मुझे मनाती है, ठीक है ना, मैं इतने जल्दी नहीं मानती हूँ, तो मेरी मम्मी ही मनाती है, और मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरी मम्मी पापा से, बहुत मिस बता नहीं सकती, बट यस बहुत ज़्यादा, मैं भले ही दूर हूँ बट थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मेरे दिमाग में ही ये होता है, मैं सो नहीं पाती हूँ, और ये सभी के साथ होता होगा लड़कियों के साथ, तो पानी है ये मेरे आंखों से निकल रहा है ना, कभी कभी फीलिंग्स हम बताते नहीं है, फोन पे से बात करते हैं, तो फोन है इसीलिए, नहीं तो मैं सोचती हूँ कि फोन नहीं रहता और लड़कियां जाती जैसे पहले जमाने में होता था, और अभी अगर फोन नहीं तो मिस क्या होता, तो थैंक्स टू फोन ऑल्सो कि वो जिंदगी में है फोन, तो फोन की वजह से एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं, यानी जो दूर बैठा है अगर वो बाहर देश भी कोई बैठा है तो वहाँ पे भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, उनके हालचाल पूछ सकते हैं, तो थैंक्स टू फोन ऑल्सो कि वो है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और चलिए, चैतन्य ने लाइटिंग लगा दी है, तो चलिए चलती हूँ मैं, चैतन्य ने लाइट्स लगा दी है, और अगर आपको अच्छा छोटा सा व्लॉग जो है वो अगर अच्छा लगा होगा मेरा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको मेरा वीडियो देखना है नया तो प्लीज़ जाके ज़रा घंटा दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सॉरी क्या है ना, सुबह चना खाया था तो डकार आ रही तो चाहिए, चलो 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 चलती हूँ मैं। और एक बात आपको बताती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे, तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश में लगी रहती हूँ हमेशा, तो बताना ज़रूर कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, और अभी के लिए मैं चलती हूँ।